नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि कल कौन से स्टॉक्स पे हमें ट्रेड लेना है, प्लस निफ्टी बैंक निफ्टी का क्या सिनेरियो रह के चल सकता है। तो सबसे पहला स्टॉक जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया वो है एडवांस एंजाइम्स। एडवांस एंजाइम्स में बाय करने की सलाह दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि 220 के लेवल से, इस एग्जैक्ट लेवल से हमने एक स्ट्रॉन्ग रैली देखी। एक रैली आने के बाद हमने देखा कि 220 से जो इसने हाई मारा वो था 383 का। 383 के बाद हमने देखा कि एक पुल बैक आया, एक रिट्रेसमेंट आया। रिट्रेसमेंट आने के बाद अगर हम देखें तो जिस पर्टिकुलर मूवमेंट से ऊपर गया था उसका 50% तक रिट्रेसमेंट आया। वहां पर इंडिसाइसिव कैंडल्स बनाई, विक बनाई। आप यहां देख सकते हैं पॉइंट, मतलब 50% तक एक फिबोनाची के थ्रू एक करेक्शन आया एंड उसके बाद अब वहां से एक ब्रेकआउट दे रहा है। क्योंकि अगर हम लोग एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट के बाद हाइस को जोड़ते हुए ट्रेंड लाइन बनाते हैं बॉटम्स को, तो हमें पता चलता है कि एक फ्लैग एंड पोल का ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग एक बाय के लिए अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो किस लेवल पे इसे बाय करना है, तो 319 के ऊपर हमें इसमें बाय पोजीशन बनानी है। हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 2323 एंड 326 का। परफेक्ट एंट्री लेवल, टारगेट एंड स्टॉप लॉस आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर अगर आप लोगों को ज्वाइन होना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है टेलीग्राम ज्वाइन होने का। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, आप जाके वहां पर ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक आता है ओबेरॉय रियल्टी। ओबेरॉय रियल्टी में जिस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आने के बाद, ठीक है, एग्जैक्ट सेम स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है, उसके बाद एक पुल बैक आया। पुल बैक आने के बाद जहां पर एक रेजिस्टेंस हुआ करता था, देख पा रहे हैं जी, ए फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस था, सेकंड टाइम रेजिस्टेंस था, उसके बाद हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला। ब्रेकआउट मिलने के बाद फर्स्ट टाइम यहां पर रीटेस्ट करा। रीटेस्ट करने के बाद हम लोगों ने एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देखी है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग एक बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। 451 के ऊपर हम लोग एक बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। जो भी टारगेट और एंट्री लेवल और स्टॉप लॉस होगा वो आप लोगों को बता दिया जाएगा हमारे टेलीग्राम पे। अराउंड 8:30 AM हम सुबह मॉर्निंग अपडेट कर देते हैं, टेलीग्राम पे पोस्ट कर देते हैं, तो आप वहां पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक आता है इप्का लैब। इप्का लैब में आप देख सकते हैं कि अभी भी एक राइजिंग चैनल के अंदर ये पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ठीक है, उसके बाद एक हेवी वॉल्यूम के साथ एक ब्रेकआउट आया। ब्रेकआउट आने के बाद हम लोगों ने देखा एक इंडिसाइसिव कैंडल बनाई, बट उस ब्रेकआउट की जो बॉडी थी उस बॉडी के ऊपर जाके क्लोजिंग देने में अभी ये कामयाब नहीं हुआ। बट उसके बाद हम लोगों ने देखा कि आज एक डाउनसाइड खुला, बट दोबारा ट्रेंड लाइन के ऊपर जाके ये क्लोजिंग देने में कामयाब हुआ। तो अगर ये 2353 के ऊपर अगर ये निकलता है तो हम लोग एक बाइंग अपॉर्चुनिटी इप्का लैब्स के अंदर भी देख सकते हैं, जहां से ये 10 से 15 रुपए तक की मूवमेंट भी हम लोगों को प्रोवाइड करवा सकता है। नेक्स्ट स्टॉक आता है अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट भी आप लोगों को बाय करने की सलाह दी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एक पर्टिकुलर ब्रेकआउट आया था। ब्रेकआउट आने के बाद फर्स्ट टाइम रीटेस्ट, सेकंड टाइम रीटेस्ट एंड एग्जैक्ट उसी लेवल पे ही आया हुआ है। एक स्ट्रॉन्ग रैली आई, स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी। स्ट्रॉन्ग कैंडल बनने के बाद दो दिन इनसाइड कैंडल बन रही है, तो जैसे ही लेवल ब्रेकआउट होगा, जो कि ब्रेकआउट लेवल है 256 का लेवल, जैसे ही ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो हमें हाई मोमेंटम इसके अंदर देख सकते हैं, एक अच्छी इस पर रैली आ सकती है। उसके बाद हम लोगों को वहां से 5 से 6 रुपए आराम से मिल सकते हैं, तो इसको भी हम लोग एक बाय के लिए अपॉर्चुनिटी लेकर चल सकते हैं। लास्ट आता है चोला फाइनेंस। चोला फाइनेंस पर भी जिस तरीके से यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि ये एक रेंज के अंदर काम कर रहा है। रेंज के अंदर काम करने के बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे, एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आई। ठीक है, एग्जैक्ट स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आने के बाद ये लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल था, आप देख पा रहे हैं, क्योंकि इसके बाद हम लोगों ने देखा कि फर्स्ट सेकंड थर्ड लगातार 4 डेज से इसके ऊपर क्लोजिंग हमें देखने को नहीं मिली। ठीक है, क्योंकि हमने देखा बिल्कुल 3 दिन के अंदर रैली आ गई, एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ गई, बट 4 दिन लगाया उसने नीचे आने में। उसके बाद हम लोगों ने देखा आज के दिन दोबारा इसने रिकवरी कर ली है, तो ये जैसी लेवल ब्रेक होगा जो कि आता है 251.5 के आसपास का, तो हम लोग एक बाइंग इसके अंदर अपॉर्चुनिटी लेकर चल सकते हैं और यहाँ पर हम लोगों को इस पे अच्छे टारगेट्स भी मिल सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की एनालिसिस। हम लोग एक बार निफ्टी चेक कर लेते हैं, बैंक निफ्टी चेक कर लेते हैं। निफ्टी जैसे कि आप देख सकते हैं कि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, इस लेवल पे हम लोगों को निफ्टी पे बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस था, सेकंड टाइम रेजिस्टेंस था, उसके बाद ऊपर गया,
एंड सेकेंड टाइम अब नीचे आ रहा है, फर्स्ट टाइम रीटेस्ट करने आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग एक बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। आप लोगों को बाइंग के मैं लेवल्स बता देता हूँ, रेंज 11,570 से लेके 11,610 तक, इस रेंज के अंदर आप लोग निफ्टी पे अपनी बाय पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। और आपको स्टॉप लॉस क्या रखना है, आपको स्टॉप लॉस रखना है 11,550 का, ठीक है, इसका आपको स्टॉप लॉस रखना है और आप लोग वहां से इस पे बाइंग बना सकते हैं। अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी आप एग्जैक्ट देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी ने क्या परफॉर्म करा है। ये हमारा रेजिस्टेंस था, ये हमारा रेजिस्टेंस था, ऊपर गया, ब्रेकआउट दिया, फर्स्ट टाइम आके रीटेस्ट करा, दोबारा ऊपर गया, एग्जैक्ट सेम हाई बनाया एंड फिर से आके रीटेस्ट कर रहा है। तो मतलब यहाँ पर एक ट्रिपल बॉटम टाइप सिनेरियो भी बन चुका है, प्लस वहां पर एक रेजिस्टेंस है, लेवल आपको बता दिया जाता है 24,800 के आसपास का। तो यहाँ पर आप लोग एक बाइंग पोजीशन इनिशिएट करके रख सकते हैं। आपको मैं लेवल बता देता हूँ, बाइंग का रेंज बता देता हूँ, 23,860 से लेके 23,960 तक, इस 100 रुपीज की रेंज में आप लोग एक बाय पोजीशन इसके अंदर इनिशिएट कर सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 23,800 का, आप 790 लेकर चल सकते हैं स्टॉप लॉस, और टारगेट आप ट्रेल करते रहिएगा, ठीक है, हर 100 पॉइंट्स पे आप लोग 30 पॉइंट्स को टारगेट स्टॉप लॉस को अपना ट्रेल करते रहेगा, वो आप लोगों को पॉसिबली हो सकती है कि दोबारा अपने प्रीवियस हाई तक जा पाए, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की एनालिसिस, अगर आप लोगों को पसंद आया, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और इसी के साथ वीडियो देखते रहिएगा, और आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आपके ऐप और आपके ईमेल के थ्रू प्रोवाइड हो जाएगी। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो पे, मैं शिवांश भसीन, साइनिंग।